बड़ी खुशी की बात है। कैसी खुशी? बहुत प्रसन्नता है। अरे मैंने रोप लई है, अरे मैंने रोपी है सगाई की सुन लाल तवर बेटा की। किशन लाल भतीजे का नाम सुना, शादी का नाम लिया, दांतों तले रानी दहमंती उंगली दबा गई। क्यों ऐसे क्यों करती हो? अरे हसी रे खुशी से मेरी रानी जमा को चढ़ाए ले। अरे नारी दहमंती पंडित जी नाई गए हैं नरबर में, मुख की देखो जिबिया मेरे सजना मुख मई रे दवाले। ननदी के भैया हनी ले रे बत्ती सौ मुखड़ा के दांत। कैसे करती हो? कैसे कहिया मत कहिया, बस बता देती है बस। तू तारे खाना ना पिए तुम्हें शर्म ना लगा, शर्म लगाते हो किस वास्ते? हमें बुझा हमारी छाती पे हाथ धरो, तुमने तो शादी रो पिलाई हमें बुझ लाई कछु। अरे भाई भाई मैं आपसे बुझने के लिए आया हूँ, भाई आज्ञा लेने के लिए आया हूँ कि बड़े खुशी के साथ जेमा को स्वीकार करिए आप भी। मैंने स्वीकार किया है जेमा। कौन से मामले में स्वीकार करें? मामला नहीं मालूम है तुम्हें? हम हैं को क्यों? तुम्हारा भतीजा नहीं है? भर में जाए भतीजा, तुम चले जाओ ऊपर। अरे बाबा चुपचाप बैठ जा। नाई ब्राह्मण तो वैसे ही परेशान है, तुम्हें ये पता नहीं मालूम है क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली है? नहीं, जितना भी शहर वामरगढ़ शहर में नाई ब्राह्मण फिर के आया है, लेकिन किसी ने ये जेमा स्वीकार नहीं किया है। तुम्हें ज्यादा क्षत्रिय क्यों ताकत मारे हो तुम? अरे चलता दम रहे नार देखे भुजतो दंडन में, करियो के सगाई भतीजी के सुन लाल तो बेटा की। और आज्ञा दहमंती अपने पति को देवो नगा। अरे सोने सोने लियो मेरे सजनो मेरी ननदी के भैया, देखो शरम तो लगत है मेरे सजनो शरमी ले तो। नरबरिया बालम तुमका तो शरम हैगी कतहीना। कैसी बात करती हो रानी, आज इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल कैसा? अरे नाई जब ब्राह्मण लौट के मेरी जय नरबरगढ़ से, डूबे गो नाम तो नार देखी राजा देख नल को, और जो मुखड़ा पंडित जी को कैसे दिखा मेंगे अपनो हम महाराज। मैं उसे कह के आया हूँ और आप मने करती हो, ये कैसे मैं अपना मुख दिखलाऊंगा जाकर के? शर्म वाली बात है, आज कह रहा हूँ कैसे मुंह दिखलाऊं? अरे चुपचाप बात कर, नाई ब्राह्मण दरवाजे पे रही, यहाँ से भी जरा उन्होंने सुन लिया कि इनमें झगड़ा हो रहा है इस बारे में, तो यहाँ से भाग जाएंगे। चुपचाप काहे का बात कर रहे हैं? मेरे भाई ने तो वापस उन्हें वापस लौटा दिया है, पुष्कर भाई ने तो मना कर दिया, जयमा नहीं स्वीकार किया। बेचारे मेरे भाई को गालियाँ, मुझे गालियाँ देते हुए जाते थे, मैंने देखा ये नाई ब्राह्मण मेरे स्वयं जीते हुए इस नरबर के लिए
राजधानी के लिए राजा को गालियां देते हुए जाते हो। मैंने देखा कौन, तू कहा भाई मैं परेशान हूँ, बामन शहर से घूम कर आया हूँ, किसी राजा ने ये जयमा स्वीकार नहीं किया, यहाँ भी इस शहर का नाम सुन के आया था, इस राजा ने फटकार दिया, क्योंकि उस वक्त मेरा भाई पुष्कर दरबार में था, मैं शिकार खेलने के लिए गया था। हमारी सुन ले, तुम शिकार खेलने को गए थे, तुमने तो शादी रोपी लाई, आज तुम इज्जत वाले बनिए और आज तुम्हारा मौका रहो तो बाद दिन कछु ना है तो कौन से दिन भूली री खबरिया मेरे सजना देखो तुम सब पिछले। कौन सी बात याद दिला रही है, आप सब बातें भूल गए हो ना। कौन सी बात, अरे कर लो रे खबरिया मेरे सजना तुम तो वो खाती। जिस वक्त राजेंद्र ने 12 साल की औखा डाली थी तो आप उस औखा की बात को भूल गए हो। घर की महलों में माल खजाना सब कोयला हो गया था, आटा दाल में कीड़े हो गए थे, तो आपको भूख लगी थी, आपने मुझे अपने भाई के घर भेजा, मैं अपनी दीवरानी के घर गई और आपकी भाभी जी ने एक सिर आटा उधार नहीं दिया था। महाराज मुझे उस दिन की याद आती है और तुमने शादी रोक ली, हमारी भूख उठाती आएगी। अरे दहमंती घर घर में डाली, अरे है खातिर बात बहन जाती मुख से नहीं बोली, याद जाको पिछली आई है जमा ना है स्वीकार पति से रही बतलाई है। ये जमा मुझे स्वीकार नहीं है। हे महाराज मुझे जमा स्वीकार नहीं है, तुम जयमा वापस कर दो ना पंडित, नहीं ऐसा नहीं होगा। और गड़ नर बरत उन देव भजवा, अरे नाई ब्राह्मण लौट के जावई गो, तुम पिछली बात न करानी छोड़ो और राखो लाज सिर की पगिया की, और रह जाए पत तेरी दिलाज। तुम सुन सुन लइयो बल मनर बलवाए, हमें अबत यादी बलम औखाती, मेरे फटो कले जा फब कई दे पछाती, मेरे दिल को धीरे बंधती है ना। मान लीजिए प्रिय सजना हाथ जोड़ी बतलाए, हेरानी वो वक्त की बात है, वो किसी ने कहा है कि गाड़ी निकल जाती है लीक बनी रहती है, एक वक्त निकल जाता है और बात बनी रहती है, और वक्त बकतुआ को कट जाएगो और कहना कैबे कौन रह जाए। वक्त पास हो गया, समय कट गया और वही राजा नल ने आकर के फिर भी राज किया आकर के, कोई निश्चिंत चिंता वाली बात नहीं है। हेरानी अब ही कहना मानो प्राणन प्यारी, और जय मां कौ नार तुम ले चढ़ाए। नहीं मानोगी महाराज, कोई बात नहीं है, और मारी कतारी रे हम मर जाएंगे ना ब्राह्मण। याद रखो मैं जीवित नहीं रहूंगा अगर नहीं ब्राह्मण इस नगर से निराश होकर के लौट गया। तुम मर जाए फिर हम कहां रहे, जो करके आवे आस करके आया आस, पानी में जब घर करे और वही मरे प्यास, आज निराश होकर के जाएगा तेरे रकुल वंश के लिए दाग लग जाएगा। तुम
मर मत जाओ, शादी कर ले। मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आपके बचनों का पालन करूंगी। लेकिन महाराज, आज तुमने शादी किशनलाल बेटा की रोक ली है, तो चलो कोई बात नहीं है, हंसी खुशी से शादी करूंगी। लेकिन तानो हम जरूर मरे हैं, जब हम ब्याह कर लिए तब तानो जरूर मरे हैं। एक बात है, आप तानो मर लेना शादी के बाद, पहले नहीं। तो आप तैयारी करिए किशनलाल बेटा के लिए, और अपनी बहन से जा उनसे भी बुझ लो और कह दो कि तैयारी, तुम्हारी बेटा की शादी मैंने रोप लिए, सारी जिम्मेदारी हमारी है, पति हमारी लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे, जेवरात जितना भी जाएगा वो हमारा जाएगा, केवल आप अपने मुखड़ा से ये कह दो कि शादी मंजूर है करने के लिए। ठीक है, वाले जाते हैं। अरे ये पांच हुए, खुश रहो। हमने हमारा भतीजा किशनलाल आर्या है, और अब तैयारी है लगन पत्रिका की, आप अपना थरिया थान तैयार करें।
की बात
सिर पे हाथ रखे और कुआ में सिंक छोड़ दिए दारी कुआ शादी होने जाए ये था। अरे नहीं बेटा, शादी कैसी होती है? शादी पढ़ना तो लिखन की मेरे बेटा उमरी है तुम्हारी। मेरे बेटा उम्र ही तुम्हारी। अरे शादी की उम्र ही लड़ाई ते मेरे बेटा यारे ना। अरे पढ़ना तो लिखन में मेरी तबीयत ना है तो लागत है। अरे महात्मो को वरना भैया के तंग में दियो बना। बारी रे उमर के मेरे ढोला तुम तो सही जा दे। अरे तो मुख से बहुत ही दूध की मेरे बछड़ा धा। हट मेरी जननी हम नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरी मैया चाहे डर जावे गंगन तेरी दे तो बेभान। अपनी जिद को नहीं छोड़ूंगा। ही बेटा ढोला कुमार माताजी। अरे तुम स्कूल से आ रहे हो तो मैं भूख तो लगी होएगी छैया खाना चली कहीं खा ले। लेकिन भैया के संग मेरे बेटा तुम मत जाओ। ओ बेटा ढोला कुमार मैया की मानो मेरे बछड़ा बार। हाथी अपनी अंकुश को तज दे माता, अपनी लगाम को तज दे, दिल बंद अपने दिल को तज दे।
लेकिन मैं अपने हाथ को नहीं कर दो, सामोला ऐसे बना दो। मैंने जान लिया अभी बेटा नहीं मानेगा, क्यों जिद्दी है, इसे मैंने कुलवारे में जन्मा है। बढ़िया पेट भारी कहते तो हम मर जाएंगे, तेरो जिंदा ललारे मिलन को ना। महाराज आप कहते हो तो बरना के साथ एक सामोला होता है, तो मैं अपने पुत्र को सामोला बना दूंगी। अरे बेटा चिंता न करो, मर मत जाओ, मैंने तुम्हें बहुत दुखों के साथ कुलवारे में पैदा किया है, बहुत मुसीबत के साथ तुम्हें पाला है, तुम मर जाओगे तो मैया कैसे रहेगी। मैया अरे कुंवटा रे खुदायो, अरे प्यारे रे नाम के मेरी मैया, अरे कुंवटा रे खुदायो, प्यारे नाम की दया रे, अरे पारे रे बंधुआ। हम तब उठे हैं, हमारी ले करे के अपनी बहू की बहुजन की, जब लड़ाई हो हम और बामे आपस में ना बने तो फिर हमारी और लियो के अपनी बहू के लिए जब आता आज हमें बताए दो ही जन्न की ले करा क्यों, कि तुमसे भी प्यार ज्यादा रहेगा और उससे भी रहेगा प्यार। अच्छा तो दो जन्न की और लियो है, हाँ। तो जाओ तुम शादी कर लाओ। भाई साहब चलो चाचा जी से कह दो हम तुम दोनों पीनस में बैठेंगे, चलो चाचा जी से कह दो बरात जो है आगे को बढ़ा दें क्योंकि टाइम लेट होने जा रहा है। बिल्कुल चलिए आ जाओ। हाँ भाई अब बैठ के कि सुन लाल बैठो है जाए, ढोला सामोला साथ में सो दोनों बैठे जाए। इधर जिस वक्त रघुनंदन की बग्गी सज गई और राजा बुद्ध को हाथी सज जाए और सजो बछेड़ा है बड़ गुजर को और बिलंग घोड़ा पर भो सवार, काफी फौजा लेकर राजा रन और धुरे से बरात बार दही कराए, आगे को जब पड़ जाए तो असगुन गए हैं कैसे नजर मई आए। अरे भैया नमस्कार भाई साहब, फौजों को यहाँ से बढ़ाओ आगे, लेकिन बढ़ाने से पहले कुछ हमारी नजर में कैसा आता है। अरे आगे